मेरा नाम अरीशा गज़ल है और मैं दिल्ली से हूँ, और मेरी पोइट्री का टाइटल है स्कूल डेज। आशा करूँगी सब रिलेट कर पाए। यह चीज़ अच्छी लगती है जब आप ताली बजाते हो मेरे लिए। स्कूल डेज शुरू करती हूँ। वो ज़िंदगी के कुछ हसीन पल थे, वो हमारे स्कूल के बीते हुए कल थे। अब फ्रेंडशिप में क्या होता है, स्कूल की दोस्ती सबसे बेस्ट होती है। कॉलेज या बाहर की इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, लेकिन स्कूल की दोस्ती सबसे बेस्ट होती है। स्कूल की उस दोस्ती में ना अकड़ ना ईगो। आज भी याद आता है पीटी मैम का रेडी स्टडी गो। थैंक यू। और आपने कभी क्या है केक के ऊपर ब्लेजर डाल के मारा है अपने दोस्तों को? उनके लिए है सर्दी में एक के ऊपर ब्लेजर डाल के उनको धोना, और बोर्ड्स एग्जाम के बाद करो ना, यहाँ तक का सफर हमने तय किया था। यूनिटी कुछ ऐसे थे याद आते हैं वो पल गुजरे हुए। यूनिटी कुछ ऐसे थे याद आते हैं वो पल गुजरे हुए। मैं तो बैक बेंचर्स थी। आप सब बैक बेंचर्स? फ्रंट आपके लिए भी है, रुको जरा सबर करो। हाँ, वो बैक बेंचर्स का जमाना था, वो राजा मंत्री चोर सिपाही का अलग ही फसाना था। खेलने में भले ही हमें खो खो पसंद था, बेस्ट फ्रेंड के साथ वॉशरूम जाने का एक अलग ही टेंशन था। अच्छा, जितनी अच्छी हमने टीचर्स डे दी है, उतनी अच्छी कभी हमें चिल्ड्रेंस डे नहीं मिली। हमने जी जान लगा दी थी टीचर्स डे के लिए, चिल्ड्रेंस डे नहीं मिलती थी इतनी अच्छी। तो चिल्ड्रेंस डे टीचर्स डे का एक अलग ही क्रेज था। टीचर्स डे चिल्ड्रन डे का एक अलग ही क्रेज था। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था वो स्कूल का स्टेज था। ताली बजाओ यार। फ्रंट बेंच टीचर्स के फेवरेट बनने का एक अलग ही ठस्सा था। जो फर्स्ट बेंच पर बैठता था वो सबसे पढ़ाकू बच्चा था। अच्छा, डस्टर चॉक्स रहते थे हमारे पास, बुक भी रहते थे, लेकिन दूसरी क्लास में जाएंगे थोड़ा घूमने को मिलेगा। ये चीज़ मैं करती थी, आप भी करते थे? हाँ कर रहे हो। दूसरी क्लास से डस्टर मांगने में एक अलग ही मज़ा था। कॉरिडोर में खड़ा होना भी भला कोई सज़ा था? मैं तो घूमती थी सज़ा के नाम पर। वॉलेंटियर के नाम पर स्कूल में घूमते थे, हम एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सारे दोस्त खुशी से झूमते थे। थैंक यू। वो ज़िंदगी के कुछ हसीन पल थे, वो हमारे स्कूल के बीते हुए कल थे। फिर आया ऐसा दौर, बीच में आया स्ट्रीम का मोड़। दीवार बन के खड़ी थी जैसे साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, पर यारो यू ऑलवेज लिव इन माई हार्ट। वो पिक थैंक यू। काम कंप्लीट रहता था, बैक बेंचर्स थे तो काम तो कंप्लीट करना ही पड़ता था, लेकिन कॉपी हमेशा लास्ट में चेक होगी। वो पिकनिक की ट्रिप कॉपी कैसे लास्ट में चेक हो उसका भी अलग था ट्रिक। स्कूल का कुछ ऐसा था दौर। अच्छा, हमारी मैम हमेशा कहती थी पूरे कॉरिडोर में जो सबसे ज़्यादा शोर करता है वो यही क्लास है, ये हर क्लास में जाके कहती थी। स्कूल का कुछ ऐसा था दौर, कॉरिडोर में जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता था वो था 10th B का शोर। अब यार स्कूल की डेज मेमोरी तो मेमोरी होती है, उसे बयान तो कर नहीं सकते, तो उनके लिए लास्ट लाइन ये है, वो लास्ट डे सबकी शर्ट पर साइन करना मुश्किल है यारो, इस पोयम में राइम करना। थैंक यू। वो ज़िंदगी के कुछ हसीन पल थे, वो हमारे स्कूल के बीते हुए कल थे। थैंक यू।